धनी शाहजी, तुम्हारा ही टंका मेरे शाहीन बाग की शेरनिया फाड़ देंगी। योगी का स्थान मुख्यमंत्री के आवास गृह में नहीं होता है। मुख्यमंत्री योगी जी, योगी के कपड़े पहनने के बाद कोई इंसान योगी नहीं बनता। मेरा नाम अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है। मैं कैथलिक क्रिश्चियन हूँ, मैं मुसलमान नहीं हूँ। और कैथलिक क्रिश्चियन होने के बाद जब हमको इस चर्च में खबर पहुँची कि हमको यहाँ आकर बाइबल का पाठ करना है, तो मैंने यहाँ पर आकर देखा कि हिंदू लोग हवन कर रहे हैं, हिंदू भाई हवन कर रहे हैं, मुस्लिम भाई कुरान शरीफ की तिलावत कर रहे हैं, सिख भाई गुरु ग्रंथ साहब को पढ़ रहे हैं, और मैंने बाइबल को पढ़ा। उसके बाद मैंने देखा कि झूठा बदनाम किया जा रहा है मुसलमानों को, ये कहकर कि आंदोलन मुसलमानों का है। नहीं 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 नहीं, ये आंदोलन मुसलमानों का नहीं है, ये आंदोलन हिंदू मुस्लिम सिख और ईसाई यानी कि हर हिंदुस्तानी का है। ये आंदोलन उनका है जो गांधी जी के बताए हुए मार्ग पर चलते हैं। ये आंदोलन उनका है जो सत्य के लिए और अपनी मांग को लेकर पूरे देश में आगे हो चुके हैं। और इस प्रकार से आदरणीय मोदी जी, आपको एक बात ध्यान रखना चाहिए, आपके योगी जो भाषा बोलते हैं वो भाषा ना तो एक योगी की है और ना वो भाषा एक मुख्यमंत्री की है। वो योगी हैं, योगी का स्थान कहाँ होता है मैं योगी जी को बतलाना चाहता हूँ। बद्रीनाथ, केदारनाथ, अमरनाथ, सोमनाथ, बैजनाथ, नंदा देवी, वैष्णो देवी, ज्वाला देवी, गंगोत्री, यमुनोत्री, हनुमान चट्टी, सोनप्रयाग, कर्णप्रयाग, चित्रकूट, पुष्कर और हरिद्वार, अरे इन स्थानों पर जाइए और वहां पर जाकर आप अपनी धुनी रमाइए। योगी का स्थान मुख्यमंत्री के आवास गृह में नहीं होता है। मुख्यमंत्री योगी जी, योगी के कपड़े पहनने के बाद कोई इंसान योगी नहीं बनता। मैं योगी जी को बताना चाहता हूँ, मैं एक बॉय ईसाई हूँ, मैंने कुरान को 3 बार तर्जमे के साथ पढ़ा है, मैं बॉय ईसाई हूँ, मैंने गीता को 7 बार पढ़ा है, मैं बॉय ईसाई हूँ, मैंने रामायण को पढ़ा है, मैं बॉय ईसाई हूँ, मैंने महाभारत को पढ़ा है, मैं बोस आई हूँ, मैं रकाबगंज गुरुद्वारे से गुरु ग्रंथ साहब लेकर आया और मैंने गुरु ग्रंथ साहब को पढ़ा है। मैं हर धर्म की किताब को ईसाई होने के बाद भी बड़े सम्मान के साथ पढ़ता हूँ। योगी जी, आपने ना गीता पढ़ी, ना रामायण पढ़ी, ना आपने महाभारत पढ़ा, और आपने अगर इस धर्म का पालन किया होता तो आप जो शब्द बोलते हैं वो शब्द कभी नहीं बोलते, कभी नहीं। आपके शब्दों में ना तो योगी का रूप दिखता है और ना मुख्यमंत्री का रूप दिखता है। अपने आप को सुधारो, अपनी भाषा को सुधारो। आदरणीय योगी जी, आपका सम्मान हम इसलिए करते हैं आप योगी हैं, आप देश के एक क्षेत्र के यानी कि यूपी के मुख्यमंत्री हैं। आपके अंदर आपकी भाषा में ना तो मुख्यमंत्री का गुण है और ना आपकी भाषा में एक योगी का गुण है। इसलिए झूठ बोलने वालों होशियार, क्योंकि मोदी जी हमेशा झूठ बोलते हैं। मेरी जिंदगी में पहली बार एक ऐसा प्रधानमंत्री आया है जो हमेशा झूठ बोलता है, अब वो है आदरणीय मोदी जी। 15 लाख कहाँ हैं तुम्हारे मुंह पर काले को पुतवा लो, अपने मुंह पर काले को पुतवा लो। मोदी जी रामलीला मैदान में खड़े होकर मोदी जी कह रहे हैं डिटेंशन सेंटर इंडिया में नहीं है। दूसरे दिन मैंने टीवी में देखा, आसाम में दिखा दिए। झूठ, हर बार झूठ झूठ झूठ। अरे कब तक झूठ बोलोगे, क्यों झूठ बोलते हो? और उसके बाद शाहजी, शाहजी कहते हैं वो जोक था, जोक सुनाना जोकर का काम होता है, प्रधानमंत्री का नहीं। अगर आपको जोक सुनाने का शौक है, प्रधानमंत्री के पद को खाली कीजिएगा, सर्कस में भर्ती हो जाइए और जाकर जोक सुनाइए। और शाहजी, जो आपने कहा कि डंके की चोट पर, मैं कहता हूँ ये काला कानून वापस नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा।
आदरणीय शाह जी, तुम्हारा ये डंका मेरे शाहीन बाग की सीढ़ियाँ फाड़ देंगी, तुम्हारा डंका बजने के लायक नहीं रहेगा, तुम किसी लायक नहीं रहोगे, तुम्हारा नाम काली स्याही से लिखा जाएगा, तुम देश को बर्बाद कर रहे हो, तुमने देश को धर्म के आधार पर हिंदू मुस्लिम सिख और ईसाई टुकड़ों में बांट दिया है। अरे देश सोने की चिड़िया था, सोने की चिड़िया है और सोने की चिड़िया रहेगा, लेकिन आप जैसे शासक रहेंगे तो देश बर्बाद हो जाएगा, हम आपको इन पदों पर रहने नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे। रोज की ताजा खबरें सुनने के लिए सब्सक्राइब करें BHBC न्यूज चैनल, साथ ही रोज के नोटिफिकेशन जानने के लिए दबाए बेल आइकन, साथ ही हमें अपनी राय देने के लिए हमारी वीडियो पर कमेंट करके बताएं और वीडियोस को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।